ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا منار اللهم يا حلال المشكلات اللهم يا منزل البركات اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا مسبب الأسباب اللهم يا مفتح الأبواب اللهم يا مجيب الدعوات أجب دعوتنا برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله هو الأكرم الأكرمين لا إله إلا الله هو الله رب العالمين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته आज यहाँ पर जो हमारा वार्ड नंबर 10 है स्टेडियम कॉलोनी यहाँ पर आज हमारा एक भाई है जो परवेज साहब है प्रभु परवेज बोरू है तो उन्होंने आज यहाँ पर अहमद स्टील जो खोला है यहाँ पर तो मैं अप्रिशिएट करती हूँ ऐसे जवानों को जो किसी गलत रास्ते पे नहीं चल रहे हैं अपने पैरों पर खड़ा होकर अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं और लड़कों को इसमें शामिल कर रहे हैं रोज़गार दे रहे हैं तो ये अच्छी बात है अगर अब सारे जवान हमारे सारे लड़के यही काम करेंगे अपना अपना बिजनेस खोलेंगे अपने अपने पैरों पे खड़ा होकर ये काम करेंगे ये हमारे लिए खुशी की बात है तो मैं आवाम से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर कोई पोर फैमिली है जो एफर्ट नहीं कर पाती हैं कि जो हमें इनके लिए कुछ मतलब कोई भी सामान लेना होगा इनके पास तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते वहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पर किस्तों में भी ले सकते हैं चाहे कोई भी बारामूला डिस्ट्रिक्ट बारामूला से हैं तो उनको हम किस्तों में भी दे सकते हैं ये चीज़ें तो मैं फिर से एक बार बुरू जो हमारी फैमिली है इनको अप्रिशिएट कर रही हूँ कि इन्होंने ये कदम उठाया और ये अच्छा एक मशवरा आया इनको कि जो पोर फैमिलियों के लिए इन्होंने सोचा है और ख़ास कर ये एक ऐसा लड़का है जो बार बार मेरे वार्ड में जिसने हर हमेशा लोगों की मदद की है हेल्पफुल लड़का है और इसके अंडर बहुत सारे ऐसे लड़के काम कर रहे हैं जो एक गरीब फैमिली से मैं अप्रिशिएट करती हूँ इस भाई के लिए जिसने ये कदम उठाया है आपको बताऊं कि सबसे पहले आज हम यहां आज़ादगंज में हैं यहां हमारे एक भाई ने आज यहां पे एक शॉप की ओपनिंग की जो कि आप देख रहे हैं पीछे अहमद स्टील के नाम से है तो हम पहले उसको मुबारकबाद देते हैं कि आपने जो आज एक पहल की है और एक शुरुआत की है अपने रोज़गार के रिलेटेड सबसे पहले हम उसको मुबारकबाद देते हैं और उसके वालिद साहब मोहतरम जिन्होंने और के बच्चों ने आज इसकी इब्तिदा की यहाँ के वार्ड मेम्बर जो हमारी है उनने भी वो भी यहाँ पर आज मौजूद थे तो हम खुश होते हैं कि जब एक नौजवान जो है अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है और उसके साथ साथ सिर्फ ये उसके लिए खुशी नहीं है क्योंकि आपको मालूम है कि इस दुकान में सिर्फ वो एक इंसान काम नहीं करेगा उसके साथ साथ और दो तीन लोग भी काम करेंगे तो उसका ये मतलब है कि उसने सिर्फ अपने लिए रोज़गार को एक ज़रिया नहीं बनाया है लेकिन दूसरे लोगों के लिए भी वो रोज़गार का एक ज़रिया बना है तो हम अल्लाह से रूबरू है ये है कि अल्लाह उसको कामयाबी दे उसको इस पर बरकत दे और जो परवेज़ बुरू है हमारे दोस्त है हमारे भाई है उसके वालिद है हम उनको एक बार और मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने जो ये बिज़नेस अपना स्टार्ट किया है और उम्मीद करेंगे कि यहाँ के लोग खासकर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का मटेरियल जो दे रहे हैं उनको अभी मुझे बता रहे थे कि मैं ईएमआई ऑप्शंस पे भी दे दूँगा
तो उम्मीद करेंगे कि यहाँ के लोग अपने लोगों को बिज़नेस बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे, अपने दुकानदार लोगों को तरजीह देंगे, ताकि हम जब तक अपने लोगों को तरजीह नहीं देंगे, अगर हम श्रीनगर से सोपोर से सामान लाएंगे तो हमारा जो यहाँ का रोज़गार है, यहाँ का जो बच्चा है वो आगे कैसे बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि तरजीह देने की ज़रूरत जो है अपने ज़िले में, अपने टाउन में, अपने कस्बे में, जो भी नौजवान आज अपना रोज़गार मैसर करा रहा है तो हमें उसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है आप मीडिया के ज़रिए भी इन चीज़ों को हाईलाइट करने की ज़रूरत है कि जहाँ का जो आपको मालूम है अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो बढ़ रही है, पढ़े लिखे नौजवान आज बिल्कुल परेशान है रोज़गार के लिए। तो एक बार हम और अपने गुरु फैमिली को मुबारकबाद देते हैं जिन्होंने आज इस यहाँ इस आज़ादगंज में एक बिज़नेस स्टार्ट किया, और उम्मीद करेंगे इसका ये बिज़नेस जो है फलाफूल है। शुक्रिया।